हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। मैं लोकेंद्र सिंह पवार स्वागत करता हूँ आप सभी का टॉकिंग टेस्ट बुक लिविंग नो चैट बी एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइन में। बेटा जहाँ हमारी ऑसम टीम काफी जबरदस्त आप सभी को प्रिपरेशन करवा रही है काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। ओके तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको बताया ना, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा कि बेटा आपको पता है कि लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो पॉलिनोमियल का था, जिसमें हमने पूरे चैप्टर को एक बार क्या किया, ब्रीफ किया, एक तरह से पूरे चैप्टर का रिवीजन किया। ओके क्लियर है। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो बेटा इस जो आपका वो लेक्चर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप फटाफट से लिंक पर क्लिक कीजिए और एक बार वो लेक्चर देखिए। ओके तो बेटा वो लेक्चर जब आप देखोगे ना तो आज के लेक्चर को आप काफी इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो काफी सारी चीजें मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ बेटा। मेनली आज हम बात करने वाले हैं काफी सारे क्वेश्चंस के, मतलब कि हमारे जो एनटीएससी लेवल है उसके क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको एक तरह से ये ध्यान रखना है कि मैं मान लीजिए आपका टेस्ट ही ले रहा हूँ, ओके तो मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना और मुझे आंसर बताना, ओके आपका क्या आंसर आता है और मेरा क्या आता है, उन्हें मैच भी करना आप। ओके तो बेटा चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बेटा। आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के जो आपके ओलंपियाड एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो, साथ में आप एनटीएससी एनएससी जैसे और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम मतलब कि बेटा क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। बेटा ये हमारी ऑसम टीम है, काफी जबरदस्त और काफी अच्छी टीम है जिनके साथ आप अपने नोट्स काफी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। आई होप पूरी पूरी मेरी आपसे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि बेटा ये जो फैकल्टीज आपको आपके जो नोट्स प्रिपेयर करवा रही है ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ आप बने रहिए और फैकल्टीज के साथ मेहनत करते रहिए कंटिन्यू, क्योंकि ये जो नोट्स हैं आपके एग्जाम टाइम्स पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके बेटा चलिए, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है। मेनली हम बात करते हैं कि कनेक्टिविटी की, किस तरह से आप टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेटा इसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है बेटा तो फटाफट से टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, आप क्या देखोगे कि वहां पर हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। इन ग्रुप्स के जो कोड है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर गिवन है, नजर आ ही रहे हैं आपको। मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि क्लास 6 का जो आपका कोड रहने वाला है वो है T.MA/TTP06, एज इज प्लीज क्लास 7 का जो आपका कोड रहने वाला है T.MA/TTP07, क्लास 8 का भी सेम है 08 आ जाएगा। मेनली क्लास 9th और क्लास 10th हमारी है, तो बेटा क्लास 9th का भी आपको नजर आ रहा है, और हमारे लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी क्लास 10th है। तो क्लास 10th का जो आपका कोड है बेटा वो है T.MA/TTP010। फटाफट से कोड एंटर कीजिए और DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल रहने वाली है बेटा। ओके क्लियर है। चलो मेनली बात आती है कि अगर आप और अच्छे से बेटर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो ये सारी चीजें बेटा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको फटाफट से हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वेबसाइट आपको जैसा कि नजर आ रहा है टॉप पर है www.talkingtextbook.in। बेटा वेबसाइट पर आप जैसे ही विजिट करोगे ना तो इस तरह के काफी सारे पैकेजेस आपको बने हुए मिलेंगे। ओके आपको क्या करना है बेटा, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। तो फटाफट से बेटा अपना पैकेज सेलेक्ट करना है और क्या करना है आपको, बाय नाउ पर क्लिक करना है। इन पैकेजेस में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो फर्स्ट पैकेज जो है हमारा वो है स्टडी मटेरियल का, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास का पैकेज सेलेक्ट करना है, खासतौर पर ये ध्यान रखना आप। ओके उसमें आपको कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस, पीरियोडिक सैम्पल पेपर, इतनी सारी चीजें मिलने वाली है बेटा ओनली ऑन 9,000 रुपीज में। ओके अगर आपको ओनली स्टडी मटेरियल की नीड है तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना होगा, आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर आ जाएंगे। ओके आपको लगता है कि नहीं मेरे पास स्टडी मटेरियल जो है सफिशियंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बना सकूं और अपना जो प्रिपरेशन है उसका लेवल चेक कर सकूं, तो बेटा वो ऑप्शन भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज का, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है आपका 3,500 रुपीज। और बेटा इसमें आपको काफी सारे पीरियोडिक पेपर्स तो मिल ही रहे हैं, साथ में आपको हमारी लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विजेस भी मिलने वाले हैं। तो फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक कीजिए बेटा और पहुंच जाइए प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर आओगे ना बेटा तो वहां पर आपके लिए काफी अच्छी एक गुड न्यूज है बेटा, यहाँ पर आपके लिए 30% का ऑफ है। कितने का ऑफ है,
30% का, लेकिन उसके लिए आपको बेटा एक डिस्काउंट कूपन मतलब गिवन है, उसमें आपको एक कोड अप्लाई करना होगा, और वो जो आपका कोड रहने वाला है बेटा वो रहने वाला है LS Live। क्या रहने वाला है बेटा? LS Live। फटाफट से बेटा इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि यही कोड आपको 30% का डिस्काउंट दिलाएगा। ये क्लियर कर देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास फर्स्ट जो पैकेज है उसका कॉस्टिंग प्राइस है 9,000 रुपीज़, तो बेटा इसमें से 2,700 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे, तो फाइनली ये पैकेज आपको मिलेगा 6,300 रुपीज़ में। ओके, और अगर हम सेकंड पैकेज की बात करते हैं तो जिसका कॉस्टिंग प्राइस है आपका 3,500 रुपीज़, इसका अगर बेटा 30% करेंगे हम तो फाइनली ये पूरा पैकेज मिलेगा आपको 2,050 रुपीज़ में। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो फटाफट से बेटा आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बाय पैकेज पर क्लिक करना होगा, और पाई पैकेज पर क्लिक करने के बाद बेटा आप सीधा कहाँ पहुँचोगे? पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आते ही बेटा आपके लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है पेमेंट की। जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहें उस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, आपका ऑप्शन सेलेक्ट करना है बेटा, जिस भी फैसिलिटीज से आप पेमेंट करना चाहें, और पेमेंट करके फटाफट से हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बेटा। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरीके आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है देखो फटाफट से, 9549044111। ये इतना अच्छा नंबर है कि इस पर कॉल करने से आपके कहीं पर भी जहाँ भी डाउट नज़र आ रहे हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलो बेटा मेनली हम बात करते हैं लेक्चर्स की। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो चलो बेटा मेरे साथ प्रॉमिस करो, आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट इफ सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट बेटा आप ऑलरेडी है ही सही, आपको क्या बनना है? स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा? स्मार्ट स्टडी करना होगा। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करना। ओके बेटा, क्लियर है? चलिए मेनली अब हम बात कर लेते हैं हमारे लेक्चर की। तो लेक्चर नंबर 12 जो है आपका वो रहने वाला है NTSC लेवल क्वेश्चंस बेटा। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके जो पॉलिनोमियल चैप्टर है इस पूरे चैप्टर्स के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिए हैं, आपको मेरे साथ सॉल्व करना है, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे भी सॉल्व करवाने वाला हूँ। ओके बेटा, तो फटाफट से रेडी हो जाइए आप पेन कॉपी लेकर, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। ओके, क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पर आज के जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो तो सारे आपको नज़र आ ही रहे हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं अब, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है हमें, मेनली हमें क्वेश्चंस का डिस्कशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है बेटा, इफ 10 ऑफ द पॉलिनोमियल fx, आपको एक पॉलिनोमियल दिया है बेटा, ठीक है, और पॉलिनोमियल क्या है आपके पास? 5x² + 13x + k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ के। आपको के का वैल्यू फाइंड करना है मेनली बेटा। यहां पर ये बोला गया है कि ये जो पॉलिनोमियल है आपका, इस पॉलिनोमियल में 10 जो है वो क्या है? सेकंड जीरो का रेसिप्रोकल है। ओके, मतलब कि फर्स्ट जीरो जो होगा आपका उसका जस्ट रेसिप्रोकल है। क्लियर है? तो आपको पता है, यहां पर फटाफट से मुझे देखकर बताइए ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है। क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है? कौन सा है बेटा? क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की वो कितनी है बेटा आपकी? 2 है। क्लियर? तो फटाफट से देखिए, जब ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस रहेंगे वो कौन से रहेंगे बेटा? अल्फा और बीटा। क्लियर है? लेकिन यहां बोला गया है कि 10 सेकंड जीरो का, सॉरी सेकंड जीरो 10 का क्या है? रेसिप्रोकल है। तो देखो फटाफट से, एक जीरो तो हो गया आपका अल्फा, और एक जीरो हो गया बेटा आपका 1/अल्फा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। फटाफट से आप देखो, मुझे बता दो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने स्टडी किया है ना बेटा, कॉफिशियंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, उसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? फटाफट बताइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपका कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशियंट ऑफ x². ओके, फाइनली हम कह सकते हैं अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल, फटाफट से देख लो, फटाफट से इक्वल कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म मीन क्या हुआ बेटा? कॉन्स्टेंट टर्म देख लो, आपके पास क्या है यहाँ पर? k, ओके, अपॉन कॉफिशियंट ऑफ x², कॉफिशियंट ऑफ x² क्या बेटा आपके पास यहाँ पर? 5, तो ये लीजिए 5। ओके, क्लियर? अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया बेटा, फाइनली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k इक्वल क्या मिलेगा आपको?
फाइव। तो फाइनली हमें के की वैल्यू फाइंड करना था, और के की वैल्यू हमें यहाँ क्या मिल रहा है, फाइव। तो ऑप्शन में कहाँ पर आपके के की वैल्यू फाइव है, ऑप्शन बी में, मतलब कि ये तीनों ही ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा, फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आया ना हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन था हमें, और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस होते हैं टू, और हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि वन जीरो जो है वो एक जो अदर जीरो है उसका क्या है, रेसिप्रोकल है। क्लियर है? तो हमने वन जीरो ले लिया अल्फा, तो अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन अपॉन अल्फा। ओके, तो फाइनली हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड किया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, ये जो आपके दोनों जीरोज हैं इन जीरोज का आपने मल्टीप्लाई किया, इक्वल। इक्वल क्या है बेटा, ये आपके पास यहाँ पर सी अपॉन ए। ओके, क्लियर है? चले आगे, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड है हमारे पास, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस नाइन इज थ्री, देन इट्स थर्ड जीरो। बेटा यहां पर देखो, आप फटाफट से आ जाओ, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर आपके पास एक पॉलीनोमियल गिवन है, फटाफट से पॉलीनोमियल देख लेते हैं। पॉलीनोमियल है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस नाइन, ये बेटा आपका पॉलिनॉमियल है। अब इस पॉलिनॉमियल में बोला क्या गया है ये देखो। सबसे पहले इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, टू जीरोज का प्रोडक्ट जो है ना वो गिवन है आपको, और वो कितना है बेटा, थ्री है। मतलब कि सबसे पहले तो आप ये क्लियर करो यहां पर कि ये कौन सा पॉलिनॉमियल है, कौन सा है बेटा पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है क्या, नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में वेरिएबल के हाईएस्ट पावर होती है आपकी टू, लेकिन यहां पर हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की थ्री, और जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर थ्री आ जाती है तो वहां पर तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल आ जाता है, तो बेटा ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गया। ओके, अब हमें यहां पर थर्ड जीरो फाइंड करना है, मतलब कि यहां से भी क्लियर हो गया, क्योंकि थ्री जीरोस किसमें होंगे, किसमें होंगे भाई, क्यूबिक में ही तो होंगे ना। ओके, तो फाइनली क्यूबिक पॉलिनॉमियल में जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल, जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा बीटा एंड गामा, यही होते हैं ना। अब आपको गिवन क्या है, टू जीरोज जो है ना उनकी वैल्यू तो है आपकी थ्री, मतलब कि मान लीजिए अल्फा एंड बीटा इक्वल तो है बेटा आपके पास थ्री। ओके, अब आपको मेनली यहां पर गामा की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि थर्ड जीरो की, और थर्ड जीरो तो हमारा कौन सा है, गामा है। ओके, तो चलो थर्ड जीरो की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना होगा, जीरोस का प्रोडक्ट करना होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा आपके पास, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर? चलो फटाफट देख लो, यहां पर अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल माइनस, ये क्या है आपके पास डी, तो ये डी अपॉन ए। ओके, क्लियर है? सॉरी, ए नहीं आएगा, एक्स क्यूब आएगा। ये लीजिए, क्लियर बेटा यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब फटाफट से देख लो, अल्फा इंटू बीटा तो आपके पास ऑलरेडी थ्री गिवन है, तो ये लिख दीजिए थ्री, और ये गामा इक्वल। बेटा यहां से डी की वैल्यू बताओ मुझे, यहां से फटाफट से डी की वैल्यू बताओ, ये डी ए बी सी डी, डी की वैल्यू है नाइन, तो ये माइनस का नाइन अपॉन एक्स क्यूब, कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा बेटा, फटाफट से देखो कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है आपके पास, टू, तो ये लीजिए टू। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब कि वन, तो ये हो गया टू इंटू थ्री गामा इक्वल माइनस नाइन, तो बेटा सिक्स गामा इक्वल माइनस नाइन, गामा इक्वल माइनस नाइन अपॉन सिक्स, तो ये हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन, थ्री टू जा सिक्स। फाइनली गामा की वैल्यू आपको फाइंड होती है बेटा माइनस का थ्री अपॉन टू। अब फटाफट से देखो, माइनस के थ्री अपॉन टू ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी है आपका, यहाँ भी माइनस के थ्री बाई टू। तो बेटा यहाँ पर आपको जो थर्ड जीरो फाइंड करना था वो थर्ड जीरो मिलता है माइनस के थ्री अपॉन टू। ओके, क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजीली हमने इसे सॉल्व किया। बस आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है वो हमसे। अगर हमें ये क्लियर है तो बहुत इजीली हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, फटाफट से नोट करो इसे, फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से।
फटाफट से चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए। नेक्स्ट है आपके पास बेटा क्वेश्चन, 2x³ + ax² + 3x - 5, ओके, एंड x³ + x² - 4x + 8, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2। मतलब कि जब आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हो तब भी आपको सेम रिमाइंडर मिलता है, इस पॉलिनोमियल को आप इससे डिवाइड करते हो तब भी सेम रिमाइंडर मिलता है, आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है बेटा, यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड करना है। आ जाओ चलो कर लेते हैं। सबसे पहले f(x) 2x³ + ax² + 3x - 5, ओके। एक सेकंड पॉलिनोमियल है हमारे पास p(x) x³ + x² - 4x + a, ये लीजिए बेटा। अब यहां पर आपको क्या बोला गया है कि डिवाइड कर रहे हो आप, किससे डिवाइड कर रहे हो बेटा, आप x-2 से। मतलब कि इन दोनों पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है वो क्या है, x-2। कब, जब हमें रिमाइंडर दोनों का सेम मिलता है तब। क्लियर है, फैक्टर नहीं कह सकते हम, सिर्फ ये कह सकते हैं यहां पर कि इन दोनों को हम इससे जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें सेम मिलता है। क्लियर। अब यहां पर बेटा अगर आप x की वैल्यू फाइंड करना चाहोगे तो क्या करोगे, 2 ही करोगे ना, क्योंकि इसको 0 के इक्वलेट करोगे। जैसे ही आप इसे 0 के इक्वलेट करते हो तो ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो गया। क्लियर बेटा। अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पर फाइंड करना है a की वैल्यू को। a की वैल्यू फाइंड कीजिए फटाफट से। क्या करोगे आप बेटा, एक बार तो ये 2 f(2) पुट करो, एक बार इस x की जगह 2 पुट करो। क्लियर है, चले आगे, चलिए आ जाइए। तो f(2) इक्वल 2 × 2³ + a × 2² + 3 × 2 - 5, ओके। तो फाइनली इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये तो हो गया, देखो 2³ 8, 8 × 3 = 16 + 4a + 6 - 5। बेटा फटाफट देख लो, यहाँ पर क्या है आपके पास 16 और यहाँ है 6, 16 और 6 कितने हो गए बेटा आपके, ये हो गए आपके पास 22, ओके। दोनों पॉजिटिव है ये दोनों। क्लियर। अब हमारे पास ये जो है ये नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, अरे भाई 22 में से 17 को 5 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर 17 + 4 है, यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चलो इसे दे दो आप इक्वेशन 1। नेक्स्ट, अब आप वापस से इस 2 को पुट करो यहां पर। क्लियर, सेकंड वाले पॉलिनोमियल में। तो p(2) = 2³ + 2² - 4 × 2 + a, ओके बेटा। तो फाइनली 8 + 4 - 8 + a। तो बेटा यहां पर देख लो, ये तो कैंसिल हो गए, यहां से मिलता है आपको 4 + a। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाफट से मुझे बता दो, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही है। चले हम आगे। चलो बेटा ये दे देते हैं हम इक्वेशन 2 नेम, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से फटाफट देख लो, इक्वेशन 1 क्या है बेटा आपके पास, 17 + 4a = 4 + a, ओके बेटा। क्लियर। अब आप एक काम करो, या तो इस पूरे को उठाकर इधर ले आओ, तो जब आप इस पूरे को उठाकर इधर ले आते हो तो फटाफट देखो 17 + 4a, ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का = 0। क्लियर है बेटा। अब फटाफट देखो, ये 17 प्लस का है, ये 4 माइनस का है, कितना बचा है यहाँ से 13, ये 4a प्लस का है, ये माइनस का a है, तो यहाँ से मिलेगा आपको 3a। क्लियर, = 0। तो फाइनली बेटा 3a = -13, a = -13/3। तो फाइनली आपको जो a की वैल्यू फाइंड करना था बेटा वो मिलता है -13/a। -13/a कहाँ है, ऑप्शन सी में है। मतलब कि ये भी गलत है हमारा, ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्लियर है, समझ में आया। हमने क्या किया, हमें ये दोनों पॉलिनॉमियल गिवन थे और इन दोनों पॉलिनॉमियल के लिए बोला गया था कि जब आप इन दोनों पॉलिनॉमियल को x-2 से डिवाइड करते हो तो इनके रिमाइंडर जो मिलते हैं आपको कैसे मिलते हैं, सेम रिमाइंडर मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ओके।
क्लियर। तो आपको एक ही वैल्यू फाइंड करना था, तो एक ही वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहां से एक्स की वैल्यू को फाइंड किया और इस एक्स की वैल्यू को एक बार पी ऑफ 2 में पुट किया और एक बार एफ ऑफ 2 में पुट किया। जब हमने इन वैल्यूज को पुट किया तो हमने देखा कि एक जो एफ ऑफ 2 है उसके लिए हमें मिलता है 17 + 4 है, और पी ऑफ 2 के लिए मिलता है हमें 4 + 8। इन दोनों ही इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, इक्वेलेट कर दिया। तो फाइनली हम देखते हैं कि ए की वैल्यू हमें माइनस के 13/3 मिलती है। क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फटाफट से नोट कर लो, काफी मजेदार क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चले आगे हम, चलो आ जाइए अब फैक्टर्स करने हैं बेटा, फैक्टर्स कर सकते हो फटाफट से, फटाफट से फैक्टर्स करने हैं आपको इनके, ठीक है। मतलब कि एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 14x + 8, ओके क्लियर है। अब बेटा यहां पर आपको जो ये पॉलिनोमियल दिया है इसके आपको फैक्टर्स करने हैं कि इन चारों में से कौन सा फैक्टर होगा। तो बेटा एक तो ये है कि या तो आप इनमें आइडेंटिटीज यूज करो पहले, तो उस कंडीशन में आप इन्हें बनाओ फिर सॉल्व करो, या फिर एक कंडीशन और है आपके पास, क्या है बेटा वो कंडीशन, अगर आप इन ऑप्शंस को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हो, मतलब कि इस x-1 को इससे मल्टीप्लाई करो जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एज इट इज इसको, एज इट इज इसे और एज इट इज इसे, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो भी आपका आंसर होगा जहां से आपको मल्टीप्लाई करने से, मान लीजिए इस पूरे को मल्टीप्लाई करने से हमें ये मिल जाता है तो ये हमारा आंसर है, अगर इस पूरे को मल्टीप्लाई करने से हमें ये मिलता है तो ये हमारा आंसर है, ओके। तो चले बेटा हम ऑप्शन से ही चेक कर लें, ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो बेटा। तो फटाफट से आ जाओ, फटाफट से ऑप्शन ये देख लेते हैं हम, पहले x-1, x-2, x-4, ठीक है बेटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x² -2x -x + 2, ओके इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम x-4 से। तो फाइनली जब हम इसे x-4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा देखो x³ माइनस का 3x, सॉरी 2x² माइनस का 2x² माइनस का x² और प्लस का 2x, फिर आप मल्टीप्लाई करो 4 से तो माइनस का 4x² प्लस का 8x प्लस का 4 और प्लस 8। तो बेटा 8 आ रहा है क्या एंड में, बिल्कुल आ रहा है। तो बेटा देखो यहां पर माइनस के 4x³, यहां पर कितने हैं आपके पास 4x², तो x³ तो बेटा यही है। तो देखो फटाफट से यहां से क्या मिल रहा है आपको, x³ और 2x² ये रहा, x² ये रहा, तो बेटा यहां से मिलेगा आपको माइनस के 3x² माइनस के 3x² और माइनस के 4x² माइनस के 7x², ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फटाफट से देख लेते हैं आगे। अब ये एक्स वाली टर्म ये है हमारे पास और ये है टर्म, ठीक है। तो फटाफट देखो एक्स वाली टर्म को देख लेते हो, यहां पर है बेटा 2x है हमारे पास और यहां पर हमारे पास क्या है 8x है। हमने जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला था हमें, x³ 2x² x² और 2x, ठीक है। यहां पर हमें क्या मिला है 4x² माइनस का प्लस का 8x माइनस का 4x, यहां पर भी x आएगा बेटा, ओके। यहां पर क्यों, क्योंकि देखो माइनस के 4 को आप माइनस के x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x 4x मिलेगा, ओके क्लियर। फाइनली 8। तो चलो अब x वाली टर्म देख लेते हैं, 2x और 8x कितना हुआ बेटा 10x, 10x और 4x तो 14x, तो प्लस का 14x, ओके और प्लस 8। अब बेटा आप यहां पर क्लियर देखो ठीक से, जल्दी से फटाफट देखो आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्या है बेटा, x³ -7x² आ रहा है जबकि यहां पर प्लस आ रहा है, यहां प्लस है यहां प्लस है, मतलब कि हमारा पूरा आंसर करेक्ट हो सकता है कब बेटा, जब हमें यहां पर प्लस मिल जाए, समझ में आया ना, हमें जब यहां पर प्लस मिल जाए तो हमें ऑप्शन पता चल जाएगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन आप अब डायरेक्ट चाहो तो आप आंसर निकाल सकते हो, कैसे बेटा, आपको है ना सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों मैं आपको क्लियर बता देता हूं। सिर्फ हमें जो डिफरेंस मिल रहा है वो कहां मिल रहा है, यहां, यहां प्लस है और यहां माइनस है, ठीक है। आपने किसको सॉल्व किया बेटा, x-1, x-2 एंड x-4 को। अगर आप जस्ट इसका अपोजिट साइन ले लेते हो, मतलब कि x+1, x+2 एंड x+4, तो आपको डायरेक्ट ये आंसर मिल सकता है। चलो आ जाओ चेक कर लेते हैं, अब हम डी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने क्यों बोला ये डी ऑप्शन चेक करने के लिए, क्योंकि हमें पूरी वैल्यू सेम मिल रही है, सिर्फ यहां पर साइन में चेंजेस है, ओके। तो साइन में चेंजेस देखो, इसके
और इसके साइन में पूरा एकदम सेम चेंजेस है, जस्ट इसका अपोजिट ही है। तो अपोजिट वाले को सॉल्व करके देखने में क्या प्रॉब्लम है, आ जाओ। एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस फोर। ओके बेटा फटाफट देखो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स प्लस फोर से। एक्स से मल्टीप्लाई करो इसे, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। फोर से मल्टीप्लाई करो इसे, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फोर एक्स प्लस एट। ओके पहले तो हमने इसे इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसे इस पूरे से मल्टीप्लाई किया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा यहां तक? फटाफट आप देखते जाइए, फटाफट से क्या मिल रहा है आपको इसको आगे सॉल्व करने पर। देखो एक्स क्यूब को एक्स क्यूब रहने दो, प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स देख लो, यहाँ फोर एक्स स्क्वायर है, यहाँ टू एक्स स्क्वायर है, सिक्स एक्स स्क्वायर, सेवन एक्स स्क्वायर, सेवन एक्स स्क्वायर और कहाँ है हमारे पास, नहीं है। तो ये मिल गया आपको प्लस का सेवन एक्स स्क्वायर। ओके फिर क्या मिल रहा है हमें, एक्स वाली टर्म एट एक्स और फोर एक्स, ट्वेल्व एक्स, ट्वेल्व एक्स और टू एक्स, फोर्टीन एक्स, तो प्लस फोर्टीन एक्स, और क्या बचा आपके पास, एट। ये देखो आपने इसको सॉल्व किया तो आपको आंसर क्या मिला बेटा यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स प्लस एट, और यही आपको पॉलिनॉमियल दिया हुआ था। मतलब कि हमने जब इसे मल्टीप्लाई किया तो हमें यही मिला, तो हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर क्या है, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस फोर। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके देखो बेटा बिल्कुल ध्यान से मैं वापस से क्लियर कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ आपको क्या करना है, अपना माइंड थोड़ा सा यूज करना है। कैसे, हमने फर्स्ट ऑप्शन लिया तब हमें पूरा पॉलिनॉमियल यही मिला, लेकिन सिर्फ हमें यहाँ पर साइन में चेंजेस मिला, बाकी कहीं नहीं मिला। तो हमने ये देखा कि अगर हम इसके जस्ट अपोजिट साइन ले लेते हैं, यहाँ पर अपोजिट साइन क्या है, यहाँ तीनों ही टर्म्स जो है माइनस की है ना, तो यहाँ पर तीनों ही टर्म्स प्लस की है। ओके तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, ये मिल गया। ओके फटाफट नोट करो बेटा इसे, फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाइए जल्दी से, फटाफट जल्दी से चलें आगे। चलो फटाफट देख लो, अब नेक्स्ट है आपके पास द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है आपको बेटा। फॉर विच एक्स प्लस के इज अ फैक्टर ऑफ, जो के है ना इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है, और ये है फैक्टर इस पॉलिनॉमियल का। ओके चलो कोई बात नहीं, आ जाओ के की वैल्यू तो फाइंड करनी है, कर लेंगे बेटा हम। फटाफट देखो पॉलिनॉमियल क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के प्लस फोर। यह आपको पॉलिनॉमियल गिवन है बेटा, और इसका जो फैक्टर है वो क्या है, एक्स प्लस के है। ओके और आपको के की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है बेटा। फटाफट से देखो, यहाँ से अगर आप एक्स की वैल्यू फाइंड करते हो तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले तो इसे जीरो से इक्वलेट करेंगे, और जब जीरो से इक्वलेट करते हैं तो एक्स की वैल्यू माइनस के मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, माइनस के। अब आप एक काम करो, एक्स के प्लेस पर इस पॉलिनॉमियल में एफ ऑफ के रख दो, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि एक्स के प्लेस पर हमें क्या करना है, माइनस के पुट करना है। आ जाओ कर देते हैं, एफ ऑफ माइनस के इक्वल माइनस के क्यूब प्लस के इंटू माइनस के स्क्वायर। ओके क्लियर है, चलो माइनस टू इंटू माइनस के प्लस फोर। ये लीजिए, हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक्स के प्लेस पर माइनस के पुट कर दिया है, जो पॉलिनॉमियल हमें गिवन है। ओके बेटा चलो आ जाओ फटाफट से देख लो, एफ ऑफ माइनस के इक्वल माइनस का के क्यूब। बेटा माइनस के का स्क्वायर करोगे तो प्लस का के, प्लस के को के से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के क्यूब। यहां पर माइनस के टू है और यहां पर माइनस के टू और माइनस के प्लस के, सॉरी माइनस के थ्री के, क्योंकि यहां पर दोनों माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन होता है आपका माइनस का, तो माइनस का थ्री के। क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए प्लस के प्लस फोर। ओके बेटा क्लियर है, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये तो कैंसिल हो गया। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, यहां से हमें माइनस का थ्री के प्लस फोर,
प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ तक। चलो अब फटाफट से देख लो, फटाफट से जल्दी से देख लो एक बार इसको। यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है बेटा, यहाँ पर आपको मिलने वाला है जल्दी से, यहाँ माइनस का k था ठीक है, और माइनस का तो माइनस का 3k ठीक है। यहाँ से क्या बेटा बना बेटा, माइनस का k और प्लस का k, तो माइनस का 2k + 4 = 0। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर हम इस माइनस के 2k को एज इट इज रहने दे, प्लस के 4 को उधर ट्रांसफर करें, तो माइनस के 4 k की वैल्यू मिलेगी माइनस के 4 / -2, मतलब कि 2। कहां पर है आपके पास k की वैल्यू 2? फटाफट देखो, k की वैल्यू 2 है आपके पास ऑप्शन बी में। फटाफट नोट करो बेटा, मैं पानी पी लेता हूं तब तक, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। ओके क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं वापस। हमें ये जो पॉलिनोमियल है ये गिवन था, और इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ये बताया था हमें, और इस फैक्टर से हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करना। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इस फैक्टर को इक्वलेट कर दिया 0 के। जब हम इसे 0 के इक्वलेट करते हैं तो यहां पर मिलेगा हमें एक्स की वैल्यू माइनस का के, माइनस का के पुट कर दो इसमें। ओके तो यहां माइनस का के पुट किया, तो ये तो माइनस का के क्यूब हो गया एक्स की जगह। यहां पर माइनस का के का स्क्वायर किया, और माइनस का के का स्क्वायर तो प्लस के स्क्वायर होगा, प्लस के स्क्वायर को के से मल्टीप्लाई किया, तो ये प्लस का के क्यूब हो गया, मतलब कि प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया। यहां माइनस का 2k और माइनस का k, तो यहां मिलेगा बेटा आपको प्लस का 2k। अरे एक मिनट बेटा, यहां चेंज करना, यहां आपको प्लस का 2k मिलेगा, पॉजिटिव 2k, पॉजिटिव 2k ठीक है। जब आपके पास ये पॉजिटिव 2k है तो फिर तो बेटा यहां पर भी चेंजेस होंगे, यहां पर भी चेंजेस होंगे आपके पास। क्यों? क्योंकि देखो यहां आपके पास पॉजिटिव 2k है ना, जबकि हमने क्या किया, यहां पर इन दोनों को ऐड ही कर दिया मल्टीप्लाई में, जबकि ये तो गलत है, ये हमने ऐड करना। ओके फटाफट से चेंज कर लो यहां पर जल्दी से। यहां पर मिलने वाला है बेटा आपको 2k और k, 3k + 4 = 0, तो 3k = -k, 4k = -4/3। फटाफट देखो k = -4/3 कहां है, ऑप्शन सी में। तो ये ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि हमने यहां पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। ओके फटाफट नोट कर लो इसे, फटाफट जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे। फटाफट चले बेटा आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, इफ x-2 इज अ फैक्टर ऑफ, बेटा ये जो आपका x-2 है ये फैक्टर है किसका, इस पॉलिनोमियल का, ये लीजिए। ओके ये x-2 आपको फाइंड क्या करना है, क्योंकि वैल्यू फाइंड करना है बेटा, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये सेम है बिल्कुल। फटाफट से यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो, x की वैल्यू 2। अब बेटा x की प्लेस पर 2 पुट कर दो और q की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फटाफट से ये आपको सॉल्व करना है, आपका होमवर्क है ये। चले आगे, चले कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से बोलो प्रॉब्लम नहीं है ना, चले आगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस, यहां पर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो गिवन है, और इन जीरोस की हेल्प से बेटा हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए बेटा सारी चीजें। आ जाओ मैं बता देता हूँ, जब हमारे पास स्पेशल केस था याद आया आपको, मैंने एक नोट लिखवाया था आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में, कि जब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोज गिवन हो तो हम किस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। क्या था वो आपका, f(x)((x³−α+β+γ)x², ओके प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा एंड गामा, यही था ना, याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया ना बेटा। चलिए अब देखो आपको अल्फा बीटा गामा गिवन है, तो फटाफट से देख लो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फटाफट से निकाल लो यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब कि जीरोस का सम कर दो। जीरोस का सम क्या होता है बेटा, फटाफट से देखो यहां पर -k² - -k³ - -k५ और ये -k² हो जाएगा फाइनली। ओके क्लियर, यहां से अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं
क्या प्रोडक्ट निकालते हैं बेटा? यहां पर तो हमारे पास एक टर्म और एक्स्ट्रा आएगी ना, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये वाली टर्म आएगी। ओके, तो चलो फटाफट देखो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपको मिलेगा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको 3, मतलब कि 11। ओके, अब क्या बचा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब कि इनका प्रोडक्ट। तो अल्फा बीटा गामा इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई किया आपने, क्या मिला आपको? प्लस का 6, प्लस का 6 को 1 से, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 6। ओके, चलो आ जाओ बेटा, आपके पास सारी चीजें हैं। देखो एक्स क्यूब के प्लेस पर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है आपके पास? माइनस के 6। कितना है बेटा? माइनस 6। ओके, एक्स स्क्वायर फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, मतलब कि यहां पर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ए टेकन 2 टाइम्स, याद आ गया ना? क्लियर? तो ये कितना मिल रहा है आपको? 11। तो आ जाओ यहां पर पुट कर दो 11। ओके, और एक्स क्लियर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सॉरी यहां माइनस है तो यहां पर भी माइनस करो, यहां भी माइनस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है? माइनस का 6। ओके, चलो आ जाओ बेटा, अब इसको सॉल्व कर लो। एक्स क्यूब के प्लेस पर एक्स क्यूब, माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस, तो ये प्लस 6x², ये हो जाएगा आपका प्लस 11x, और ये हो जाएगा प्लस 6। ओके, तो फाइनली आपको क्या मिलता है? एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। ओके, तो कहां पर मिल रहा है बेटा? यहां पर देखो, आप पी की फॉर्म में दिया हुआ है, मैं एक्स की फॉर्म में नहीं दिया, पी फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इसे पी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो इस तरह से। ओके, जहां जहां एक्स है वहां वहां पी कर दो। चलो ये वाला ऑप्शन कहां मिल रहा है हमें? फटाफट देखो, ये ऑप्शन पी क्यूब यहां तो है नहीं, यहां पी क्यूब माइनस है, यहां पर भी, मतलब कि ये भी नहीं है। यहां पर देखते हैं, पी क्यूब प्लस 6p² प्लस 11p प्लस 6, मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। क्लियर है? इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन था? हमें क्यूबिक पॉलिनॉमियल के जीरोस गिवन थे, और क्यूबिक पॉलिनॉमियल के जीरोस की हेल्प से हमें क्या करना था बेटा? यहां पर फटाफट से हमने यहां पर क्यूबिक पॉलिनॉमियल बनाना था। इसके लिए हमने सबसे पहले जीरोस का सम किया, जीरोस का प्रोडक्ट, मतलब कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ए टेकन 2 टाइम्स, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, इन सबको ऐड कर दिया और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड किया और इसको सॉल्व किया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। फटाफट से देख लो, आ जाओ, पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड करना है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल x² प्लस 3x - 2। बेटा यहां पर x की वैल्यू आपको गिवन है -k1, अब तो सॉल्व कर सकते हो यार, फटाफट सॉल्व करो। x के प्लेस पर -1 पुट करके क्या मिल रही है फटाफट बताओ, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट सॉल्व करो बेटा, फटाफट जल्दी से, फिर आंसर मैच करना है आपको, जल्दी सॉल्व करो। क्या मिल रहा है आपको? एक्स के प्लेस पर -1 पुट कर दो, मतलब कि पी ऑफ -1 के लिए वैल्यू फाइंड कर लो आप। वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनॉमियल याद आया आपको? जहां पर मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल पी एक्स है, और उस पॉलिनॉमियल पी एक्स में हम अगर एक्स के प्लेस पर क्या करते हैं? ए पुट करते हैं, तो पी ऑफ ए पुट करने पर हमें जो वैल्यू फाइंड होगी वही क्या होगा? वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनॉमियल। क्लियर है ना? यही चीजें बताई थी मैंने। तो फटाफट से यहां पर आपको एक्स के प्लेस पर क्या पुट करना है? -1 पुट करो फटाफट। क्या मिल रहा है आंसर? फटाफट से बता दो मुझे, क्या मिल रहा है आपका आंसर? देखो पी ऑफ -1 इक्वल -1² प्लस 3 × -1 -2, तो ये हो गया 1 - 3 - 2, तो 1 - 5, फाइनली -4 मिल रहा है। क्या आपका आंसर -4 आ रहा है? क्या बेटा आपका आंसर -4 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो करेक्ट आंसर है। ओके, तो फटाफट से देख लीजिए, आपको अगर वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनॉमियल फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा? उस पॉलिनॉमियल में एक्स के प्लेस पर आपको ए पुट करना है। ओके, और ए रियल नंबर रहेगा आपका, ये भी ध्यान रखना। अगर आप ए पुट करते हो तो ए पुट करने पर हमें उस पॉलिनॉमियल की जो वैल्यू फाइंड होती है वही क्या होगी? वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनॉमियल। ओके, क्लियर है? चले आगे हम, चलो आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम इज 1 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल, हमें पॉलिनॉमियल का 1 0 जो है वो
दिया हुआ है। द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। बेटा वापस से वही बात, आ जाओ। ऐसा क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया है और यहाँ पर भी आपको सॉल्व करना है। फटाफट से देख लो, फटाफट से क्या करोगे, फटाफट बताओ मुझे क्या करोगे। सबसे पहले देखो आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है वो देखो आप, तो फटाफट एम स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स प्लस 6 एम। ओके बेटा, ये आपको पॉलिनोमियल दिया है। अब मुझे ये बताओ कि ये पॉलिनोमियल कौन सा है आपका, कौन सा पॉलिनोमियल है बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या ये? बिल्कुल है, क्योंकि देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। आ जाओ, जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपके पास 2 है तो क्या प्रॉब्लम है? फटाफट से देख लो इसे। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं? अल्फा एंड बीटा ही तो होते हैं ना। अब आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो 1 0 है वो क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल है अदर जीरोस का, मतलब कि 1 0 है हमारा अल्फा, तो सेकंड 0 होगा हमारा 1 अपॉन अल्फा। क्लियर है? तो चलो आ जाओ बेटा, फटाफट से फाइंड कर लो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है बेटा आपके पास? सी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो बेटा यहां से मिलेगा आपको अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इक्वल सी की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? 6 एम। और ए की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? एम स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका ये रहा। क्लियर है? चलो आ जाओ, ये कैंसिल हो गए, तो फाइनली बेटा यहां से मिलेगा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एम स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 6 एम। इस 6 एम को इधर ले आओ तो एम स्क्वायर माइनस के 6 एम प्लस के 9 इक्वल 0। ये लो बेटा, अब यहां से आपको फैक्टर वाली कंडीशन मिल गई, मतलब कि मिडल टर्म को आपको स्प्लिट करना है। और मिडल टर्म को स्प्लिट करने का मतलब क्या होता है कि हमें मिडल टर्म के इस तरह से फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन मिले और एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिडल टर्म मिले। ओके, तो देखो एम स्क्वायर माइनस 3 एम माइनस 3 एम प्लस ले लेते हम, ठीक है? एक मिनट एक मिनट, प्लस तो ले नहीं सकते क्योंकि प्लस लेंगे तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। ओके, देखो हमें माइनस के 6 एम चाहिए। क्या चाहिए बेटा आपको? माइनस का 6 एम। एक मिनट एक मिनट, ये आपके पास क्या होता है? माइनस का सी अपॉन है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। चलो आ जाओ, फटाफट देख लो, यहाँ पर आपके पास क्या हो गया? 3 एम प्लस 3 एम प्लस 9 इक्वल 0। तो बेटा देखो यहाँ पर 3 एम और 3 एम को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 एम स्क्वायर, मतलब कि इन दोनों को फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन मिल रहा है। इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पर आपको क्या मिल रहा है? 6 एम मिल रहा है। आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है, फटाफट से देख लो बेटा। यहाँ से आपको क्या मिलता है? यहाँ से हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 3 एम, एम स्क्वायर प्लस 3 एम क्या होता है हमारे पास? क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से? एम कॉमन आ रहा है, तो एम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एम प्लस 3। ओके, और यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हो तो एम प्लस 3, तो फाइनली बेटा एम प्लस 3 और एम प्लस 3, मतलब कि एम की वैल्यू आपकी माइनस के 3 होगी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है? फटाफट देखो यहाँ पर क्या किया आपने, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में क्या होता है हमारे पास? माइनस का सी अपॉन ए, ठीक है? माइनस का सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू क्या है? माइनस का 6 एम। सॉल्व किया हमने तो माइनस, फाइनली हमें एम की वैल्यू क्या मिली? माइनस का 3। कोई तरह की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फटाफट नोट करो इसे, फिर चलते हैं हम आगे। चले चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल हूज सम ऑफ द जीरोज इज 5 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज 6। मतलब कि हमें यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है, इन ऑप्शंस में से बेटा आपको आइडेंटिफाई करना है
कि किस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो तो -5 है और प्रोडक्ट जो है वो 6 है, मतलब कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज आपके पास -5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा बेटा आपके पास, फटाफट से देख लो, 6। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो आ जाओ अब आगे सॉल्व कर लो इसे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, फटाफट से देखना बिल्कुल ध्यान से बेटा। यहां पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोज -5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 6। मतलब कि मैंने आपको बताया था ना कि जब आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या आपको गिवन हो जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो किस तरह से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके क्लियर है, यही होता है ना स्पेशल केस। अब देखो यहां पर फटाफट देख लो, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो, जीरोस का सम मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, ओके चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा इंटू बीटा। अब आपको यहां पर अल्फा प्लस बीटा तो गिवन है -5 और अल्फा इंटू बीटा गिवन है 6, तो पुट कर दो यहां पर फटाफट से एक्स स्क्वायर के प्लेस पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -5, ओके प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा आपके पास, अल्फा इंटू बीटा है आपके पास 6, ओके ये लीजिए। तो फटाफट देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 5 एक्स यहां पर तो एक्स ही आता है ओनली, और प्लस 6 ये मिला आपको ऑप्शन, ओके। तो अब फटाफट से जो आपको पॉलिनोमियल मिला है ये पॉलिनोमियल कौन सा ऑप्शन में है ये चेक कर लीजिए फटाफट से जल्दी से। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कहाँ है हमारा, एक्स स्क्वायर ये नहीं है, ये भी नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बिल्कुल ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है, ओके क्लियर है। यहां पर हमें ऑलरेडी बेटा जीरोस की जरूरत भी नहीं पड़ी, हमें तो यहां पर डायरेक्ट दिया बता कि आपका जो जीरोस है उसका सम ये है, जीरोस का प्रोडक्ट आपका ये है। आपको डायरेक्ट बताना है यहां पर क्या बताना है कि किस पॉलिनोमियल को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमने देखा कि ये ऑप्शन सी को सेटिस्फाइड कर रहा है। चले आगे, चलो नेक्स्ट आपके पास है बेटा 11th क्वेश्चन, और 11th क्वेश्चन में आपके नजर आ रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा जो है पॉलिनोमियल के जीरोज है, सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल 6 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल 4। आ जाओ कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम पहले वाला क्वेश्चन आ गया है आपके पास, फटाफट से देख लो सेम पहले वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है ना। एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए यहां पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है वो गिवन है 6 और अल्फा इंटू बीटा जो है वो गिवन है 4। अभी मैंने आपको बताया है कि जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और उसके जीरोज हमें गिवन है तो किस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फटाफट देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास 6, तो ये 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है आपके पास 4, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 4। ये लो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, फटाफट देख लो, ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 ये ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर ए की फॉर्म है ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट है, ओके और यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट है, मतलब कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट नोट करो बेटा इसे, फिर हम चलते हैं आगे जल्दी से। चले चलो अब बेटा यहां पर देखो, आइडेंटिफाई द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के आपके जीरोज को आइडेंटिफाई करना है, ये आपको पॉलिनोमियल दिया है पीटी इक्वल t³ - 3t² - 10t + 24। बेटा यहां पर ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना आपको, अब इस पॉलिनोमियल में से कौन से जीरोज इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं आपको ये पता करना है। अब इसको सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा,
बेटा एक बार तो ये ऑप्शन ए पुट करके देखो, एक बार ऑप्शन बी पुट करके देखो, सी पुट करके देखो, डी पुट करके देखो, आपको जिस ऑप्शन को पुट करने पर ये पूरा पॉलिनॉमियल जीरोज मिल जाता है, मतलब कि पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है। मान लीजिए आपने बी के ये तीनों ही पॉइंट्स पुट कर दिए, -2 -3 एंड 4, अगर इन्हें पुट करने पर आपको ये पॉलिनॉमियल जीरो मिल जाता है तो ये क्या होंगे, इस पॉलिनॉमियल के जीरोज होंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, करोगे ना बेटा इसको सॉल्व? कुछ नहीं करना है, एक बार आपको ऑप्शन में पी ऑफ -2 रखना है, एक बार आपको -3 रखना है, इसी तरह से एक बार आपको 4 रखना है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है? आपको चारों ही ऑप्शंस में से जीरोस पुट करके देखने हैं, और जिस ऑप्शन में से आपको ये जीरो पुट करने पर पूरा पॉलिनॉमियल जीरो मिलता है वही इसके जीरोस होंगे। ओके, क्लियर है? इसे आपको सॉल्व करना है बेटा। चले हम आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चूज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, बेटा यहां पर भी वापस से वही बात आई है, आपको क्या करना है, चूज करना है। और चूज करने के लिए बेटा क्या करना होगा हमें, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है हमें, फटाफट से देखो। यहां पर आपको जो पॉलिनोमियल दिया है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल 6x² -7x -3। अब बेटा इसमें आप पुट करके देखो, 1/3 पुट करके देखो, 1/3 पुट करने पर आपको क्या मिल रहा है, ओके? इसी तरह से -1/3, 3/2 पुट करके देखो। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन मान लो आपने पुट किया है और इस ऑप्शन को पुट करने पर ये पॉलिनॉमियल जीरो मिलता है, दोनों ऑप्शन पुट करने पर ये पॉलिनॉमियल आपको जीरो मिलता है, तो ये इस पॉलिनॉमियल के जीरो होंगे। ओके, क्लियर है? तो ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट आता है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन बोलता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड इक्वल एफ एक्स डिवाइजर पी एक्स क्वेश्चन क्यू एक्स एंड रिमाइंडर आर एक्स। ठीक है, तो आ जाओ देख लो, फटाफट से देख लो बेटा। आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन एल्गोरिथम, अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम में हमने बोला है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, क्या है बेटा पी एक्स, और उस पॉलिनोमियल को अगर हम, यहां पर पॉलिनोमियल एफ एक्स की फॉर्म में है ना, तो कोई बात नहीं, चलो अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है और उस पॉलिनोमियल में अगर हम जी एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसके क्वेश्चन से, ठीक है, और हमें उसमें ऐड करना है रिमाइंडर, तो हमें वापस से वो पॉलिनोमियल मिलेगा। मतलब कि अगर हमें कोई डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड फाइंड करना है सॉरी, तो डिविडेंड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्वेश्चन से, और उसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे बेटा, रिमाइंडर। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? अब बेटा देखो आपको इस क्वेश्चन में डिविडेंड क्या गिवन है, एफ एक्स, तो ये लो एफ एक्स। डिवाइजर क्या गिवन है आपका, डिवाइजर पी एक्स है, तो ये लो पी एक्स। क्वेश्चन क्या है, क्यू एक्स, तो ये लो क्यू एक्स। रिमाइंडर क्या है आपके पास, आर एक्स, तो ये लो आर एक्स। अब बेटा ये कहाँ सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन ए में देखो, पी एक्स इंटू आर एक्स इंटू पी एक्स, जबकि आर एक्स तो ऐड होता है, गलत कैंसिल हो गया। एफ एक्स इक्वल पी एक्स, मतलब कि पी एक्स डिवाइजर है यहाँ पर, ऑलरेडी हमें गिवन है, क्यू एक्स हमारा क्वेश्चन है, और उसमें रिमाइंडर ऐड कर रहे हैं, मतलब कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सी को भी चेक कर लेते हैं एक बार हम, पी एक्स इंटू क्यू एक्स, अच्छा यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये कैंसिल है क्योंकि रिमाइंडर तो ऐड होता है ना, यहाँ पर रिमाइंडर मल्टीप्लाई में आ गया, इम्पॉसिबल, मतलब कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है कि डिविडेंड अगर हमें फाइंड करना हो, तो डिविडेंड फाइंड करने के लिए अगर हम रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं कि इसमें क्वेश्चन और डिवाइजर के मल्टीप्लीकेशन में, भाई अगर आप डिवाइजर और क्वेश्चन के मल्टीप्लीकेशन में रिमाइंडर को ऐड कर देते हो, तो आपको क्या मिलेगा, वापस से एफ एक्स मिलेगा, वही पॉलिनॉमियल मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ओके, चले आगे। चलो अब यहां पर बेटा आ जाओ देखो, अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल। एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है और उस क्यूबिक पॉलिनॉमियल के जो जीरोज है वो जीरोज है आपके अल्फा बीटा गामा, और यहां पर आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब कि सम ऑफ जीरोज, क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए सम ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है बेटा, 2। इसी तरह से यहां पर सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2,
टेकन इट टू टाइम, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये दिया हुआ है बेटा आपको -7। क्या दिया है? -7। ओके, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया बेटा आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कितना दिया हुआ है बेटा आपके पास? माइनस का 14। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आपको यहां से क्या करना है, यहां से आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए स्पेशल केस जो मैंने आपको नोट लिखवाया था वो क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब कि सम ऑफ जीरोस प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन इट टू टाइम मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके चलो आ जाओ, एक्स क्यूब के प्लेस पर एक्स क्यूब रहने दो, माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है फटाफट से देखो, ये है आपके पास माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है 2। ठीक है, तो ये लीजिए 2, और यहां आएगा एक्स स्क्वायर, यहां आएगा साथ में एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये है आपके पास -7, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 7x माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा आपके पास ऑलरेडी है माइनस का 14। तो बेटा आप इसे सॉल्व करते हो तो एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x माइनस माइनस प्लस, तो 14। आपको क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या मिलता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। ये जो आपको मिल रहा है ये आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, इन जीरोस के सम से, इन जीरोस के प्रोडक्ट और सम ऑफ प्रोडक्ट इज टेकन टू टाइम, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से आपको जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल मिलता है वो मिलता है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। कहाँ है, कहाँ है चेक कर लो, एक्स क्यूब यहाँ है, एम क्यूब है यहाँ, हटा दो इसे, वाई क्यूब है इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो, एक्स क्यूब ये रहा आपके पास, इसे चेक कर लो, एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस, फाइनली यही है ऑप्शन है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ओके तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस थोड़े से लॉजिक आपको बताने चाहिए बेटा, बहुत इजीली क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है बेटा, रिमाइंडर फाइंड करना है, कर सकते हो यार, कैसे फाइंड करोगे? वेन 5p³ माइनस 13p² प्लस 21p इज डिवाइडेड बाय, मतलब कि आपके पास यहां पर पॉलिनॉमियल है पी एक्स 5p³ माइनस 13p² प्लस 21p। ओके, और आपके पास यहां पर जी एक्स डिविडेड, ठीक है, जिसे हम डिवाइजर बोलते हैं, वो है आपके पास 3 - 2p प्लस पी स्क्वायर। पहले तो बेटा इसे आप असेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में जमा दीजिए फटाफट से, तो पी स्क्वायर माइनस 2p और प्लस 3। ओके क्लियर है? पहले तो हम क्या करते हैं, इसे अरेंज करते हैं, तो हमने अरेंज कर दिया, अब आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। आ जाओ कर दो, क्या करोगे बेटा? डिवाइड करोगे, किस में? इसमें डिवाइड करोगे इसका, तो डिविडेंड क्या है आपके पास? 5p³ माइनस 13p² प्लस 21p। ओके, यहां पर आपके पास मिलता है 3 - 2p, एक मिनट, हमने इसको अरेंज कर दिया ना, तो अरेंज फॉर्म में लिख देते हैं वापस से, आ जाओ फटाफट से, p² माइनस 2p प्लस 3। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है? चलो आ जाओ फटाफट से देख लो, अब बेटा यहां पर आपको क्या मिलता है ये देख लेते हैं हम फटाफट। देखो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? पी स्क्वायर। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? पी क्यू। डिवीजन एल्गोरिथम के फर्स्ट पॉइंट पर चलो, जब आपकी पी एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से ग्रेटर देन हो तो क्या करोगे? पी एक्स की डिग्री में से जी एक्स की डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ओके तो बेटा फाइनली यहां पर आप क्या देखोगे? 5p। ओके हम इन दोनों को सेपरेट करते हैं तो 5p मिलेगा ना, अब ये जो 5p मिला है इस 5p से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा ये तो हो गया 5p³ माइनस 10p² प्लस 15p। ओके तो बेटा ये तो हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस, तो ये तो हो गई कैंसल,
बेटा यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 3p² ओके, और यहाँ मिलेगा बेटा आपको प्लस 6p ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब वापस से आपको जो डिविडेंड मिला है, इस डिविडेंड की डिग्री और इस डिविडेंड की डिग्री देखो। जब हम दोनों डिविडेंड की डिग्री देखते हैं और दोनों डिग्री डिविडेंड की डिग्री मतलब कि पी एक्स की डिग्री और जी एक्स की डिग्री अगर आपस में इक्वल है, तो डिग्री आपस में इक्वल होने पर हमें कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट मिलेगा। तो फाइनली हम देखते हैं कि यहाँ से 3p² और यहाँ से p², तो p² से p² कैंसिल, तो माइनस के 3p, क्या मिला आपको ये माइनस के ओनली माइनस के 3p नहीं मिलेगा क्योंकि p² से तो p² कैंसिल हो गया। ओके, अब ये जो माइनस का 3 मिला है इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा ये हो गया माइनस का 3p². ओके, ये हो जाएगा प्लस का 6p और माइनस का 9। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? यहाँ क्या मिलेगा माइनस का 9, फटाफट देख लो, फटाफट से देख लो बेटा। यहां पर तो ये हो, आपके पास माइनस है मतलब कि ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया बेटा, ये कैंसल और ये कैंसल, क्या मिला आपको माइनस के 9। कहाँ है आपका माइनस का 9 ऑप्शन में? है ही नहीं, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी? चलो एक बार चेक कर लेते हैं, देखो फटाफट से। यहां पर 5p² 5p³ हो गया, यहाँ पर माइनस का 10p² हो गया ओके, यहाँ पर 15 15p हो गया। क्लियर है ओके, चलो आ जाओ फिर क्या करना है हमें, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए ओके। तो फाइनली आप क्या देखोगे बेटा, यहाँ पर ये तो हो जाएगा हमारे पास प्लस का, जब हमारे पास ये प्लस का है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3p² और यहाँ से हमें 6p मिलेगा। क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास जो न्यू क्वेश्चन मिला वो मिला माइनस के 3 को p² से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3p² ओके, माइनस के 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6p ओके, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9, तो माइनस का 9 ही आएगा। एक बार चेक करो बेटा कहीं गलती तो नहीं हुई, मैं पानी पी लेता हूँ जब तक, फटाफट से चेक कर लो एक बार इसे जल्दी से। बिल्कुल बेटा, हमने ये देखो माइनस का 14 तो लिखा ही नहीं इसके साथ वाला, ये माइनस का 14 ओके, ये माइनस का 14, तो यहाँ 5 आएगा आपका, ये लो, क्योंकि आपने इस वाले टर्म को तो लिखा ही नहीं है इसमें, और इस वाले टर्म को नहीं लिखा तो सॉल्व कहाँ से होगा। तो माइनस का 14 और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो फाइनली ये मिलेगा माइनस का 5, मतलब कि आपका ऑप्शन ए ओके। क्लियर है, ये छोटी सी मिस्टेक है तो इसको तो इतना माइंड नहीं करना है क्योंकि हमने क्या किया है कि इसको टर्म्स को ही हम भूल गए ओके। फटाफट नोट करो इसे, फिर चलते हैं हम आगे। चलो बेटा ये ग्राफ का क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिटी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये बताना है कि कौन सी कंडीशन में हमें कोई जीरो नहीं मिलता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब पेराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट करेगा तो वहां पर हमें नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे 2, जब पेराबोला डाउनवर्ड की तरफ एक्स एक्सिस को कट करेगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पर भी 2 ओके। यहाँ पर देखो क्या ये पेराबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यही तो केस है हमारा कि जब पेराबोला एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है किसी भी पॉइंट पर तो वो हमारा क्या होता है, नॉन जीरोस होता है, वहां पर हमें कोई जीरोस नहीं मिलता है ओके। यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, मतलब कि हमें जो नॉन जीरोज कहीं पर भी हमें जहां पर जीरोज नहीं मिलेंगे इन चारों कंडीशन में से, वो कौन सी आपकी ऑप्शन सी की कंडीशन है ओके। चलो नेक्स्ट है आपके पास, द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल एफ एक्स आर गिवन इन फिगर, फॉर विच ऑफ दिस इज एफ एक्स नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक। हमें ये बताना है कि कौन सा ग्राफ ऐसा है जो ना ही लीनियर है और ना ही क्वाड्रेटिक है, नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक। बेटा ये देखो ये तो लीनियर है ठीक है, तो ये तो करेक्ट है आपका, ये क्वाड्रेटिक है, ये भी करेक्ट है आपका बेटा, ये भी क्वाड्रेटिक है। देखो यहाँ पर लीनियर में एक्स एक्सिस को लीनियर 1 पॉइंट पर कट करता है ठीक है, क्वाड्रेटिक में पेराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट करता है। अगर क्वाड्रेटिक में पेराबोला एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर टच करेगा तो नंबर ऑफ जीरो रहेगा 1,
क्लियर। यहां पर देखो क्या पेराबोला एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पर टच करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है ना, ये इनमें सेटिस्फाइड नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि एफ एक्स नाइदर लीनियर नोर क्वाड्रेटिक, किसके लिए? ऑप्शन डी के लिए। ओके क्लियर। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए बेटा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क वाले देने वाला हूं। ये देखो यहां पर आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 जीरोज का, ठीक है, क्लियर है। वो कितना है? -6। आपको थर्ड जीरो फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं इससे जस्ट पहले, आप देखना एक बार क्वेश्चंस में। ओके नेक्स्ट आ जाओ फटाफट से। यहां पर अल्फा बीटा गामा आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन एट 2 टाइम्स। ओके तो यहां पर आपके पास जीरोज है, क्लियर, आप वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं। यहां पर देख लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपको जीरोज फाइंड करने हैं, कर सकते हो यार। किसके लिए सेटिस्फाइड होगा? इनमें तो ऑप्शन में रख के देख लेना, जहां पर जीरो हो जाएगा वो आपका इसका जीरो होगा। ओके यहां पर हो गया ये कंप्लीट। चलो बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। यहां पर आइडेंटिफाई करना है आपको पॉलिनोमियल, आराम से देखते ही पता चल रहा है कि देखो यहां पर -2 पावर हो जाएगी, यहां पर 1/2 हो जाएगी, मतलब कि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। बचे कौन से? सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड कौन सा है? ऑप्शन बी है ये भाई। अरे भाई ये पूछा गया कि इसमें से पॉलिनोमियल कौन सा है, कौन सा पॉलिनोमियल है? यही तो है, ये दोनों तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसकी पावर जब आप ऊपर ले जाओगे इस एक्स को तो -2 हो जाएगी, तो नेगेटिव तो कभी पावर होती नहीं है पॉलिनोमियल में। यहां पर फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगी, फ्रैक्शन फॉर्म में तो पावर नेगेटिव होती नहीं है पॉलिनोमियल में। ओके चले चलो फटाक से ये देखो, यहां पर आपको अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा बहुत ईजी है, कर सकते हो यार, ठीक है। यहां पर सम करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम करना है, आराम से कर सकते हो बेटा। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपके पास, देखते ही पता चल जाएगा यार। सम क्या होता है? -b/a। अरे भाई देखते ही पता चल रहा है ना, b से मतलब क्या हो गया? कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन a से मीन हो गया कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। ये देखो यहां पर आपको क्या करना है बेटा, कौन सी कंडीशन करेक्ट है ये बताना है, क्लियर है। आराम से बता सकते हो आप, आराम से, अगर आपको स्पेशल केस याद है नॉट क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो ये आपके लिए जीरोस फाइंड करने वाला क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो बेटा आज के लेक्चर के हमारे क्वेश्चन जो थे, मैंने आपको लगभग लगभग पूरे चैप्टर के सारे टाइप्स के क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ओके क्लियर है? बेल आइकन प्रेस करना बेटा, बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन आपको प्रेस करना है, मतलब कि करना है, क्योंकि हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। क्लियर है? ओके तो बेटा वीडियो को फटाफट से लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। बेटा एक बार हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा इस पर डाउट है, एक बार देख लेते हैं हम। बेटा इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपके पास क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा, क्लियर है। ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। जब ये आपके पास नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, क्लियर। ओके तो फाइनली यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ से माइनस कॉमन, माइनस के 3 कॉमन लोगे आप जब, अरे भाई या तो यहां से कॉमन ले लेना आप चाहो, एक मिनट में आपको क्लियर कर देता हूं पूरा ही ठीक से वापस से, ठीक है, ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहां पर हमने जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती कर दी है, तो वह मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो यहां पर +3, ये -3, दोनों को आप क्या करोगे, प्लस माइनस, या तो आप एक काम करो दोनों जगह -3 ले लो, सबसे अच्छा है। -3 और -3 को ऐड करोगे तो क्या होगा, +6, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का, क्लियर है। तो यहां पर देखो फटाफट से, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, m कॉमन आ रहा है, तो m कॉमन आ गया तो m -3 होगा, क्या होगा बेटा यहां पर, m -3
-3, ओके क्लियर है। साथ में यहां पर यहां से भी हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, -3। जब हम -3 कॉमन लेते हैं तो यहां पर मिलेगा हमें m-3, ओके क्लियर है। तो फाइनली आपको m-3 और m-3, तो m+3 मिला, m की वैल्यू 3, m की वैल्यू 3 का है, यहां है ऑप्शन डी में, ओके क्लियर है। तो बेटा एक बार आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, ओके बेटा बाय।